क्या हमारी बॉडी में ऐसा भी कोई पार्ट है जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होती? क्या स्पेस में जाने से हमारी एज कम हो जाती है? क्या ऐसी भी कोई जगह है जहाँ हीरों की बरसात होती है? अगर आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। क्या आप जानते हैं कि उल्लू अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकता है? अब आप कहेंगे ये तो हमें बचपन से पता है। ठीक है, उल्लू के बारे में तो आपको पता है, मगर क्या आप जानते हैं ह्यूमन आउल के बारे में? नहीं तो मिलिए मार्टिन जो लॉरेलो से, जिन्हें ह्यूमन आउल कहा जाता था। ये अपने सिर को 180 डिग्री पीछे की ओर मोड़ सकते थे। अब आपको दिखाती हूँ एक अमेजिंग पेंसिल शॉप। ये शॉप ईरान में है। इस शॉप पर हजारों पेंसिल्स रखी हुई हैं और केवल ओनर को ही ये बात पता है कि किस जगह पर कौन सी पेंसिल मिलेगी। इनसे आप कोई भी पेंसिल मांगेंगे, ये बिना देरी किए तुरंत आपको सेम पेंसिल दे देंगे। अगर आप भी फैक्ट्स देखने के शौकीन हैं, तो शायद आपने भी ऐसा वीडियो या इमेज देखी होगी जिसमें बताया गया है कि जापान में ड्रेनेज भी इतना साफ है कि उसमें मछलियां तैरती हैं। ये सच तो है, मगर पूरा नहीं बल्कि आधा, या यूं कहें कि ये सिक्के का एक ही पहलू है। दूसरा पहलू आज मैं आपको बताऊंगी। दरअसल ये जगह जापान के क्यूशू आइलैंड पर मौजूद है, जिसे शिम्बारा कहा जाता है। यहाँ सड़कों के साथ नालियों के चैनल से और भी अपशिष्ट बहते हैं, लेकिन पानी इतना शुद्ध है कि अधिकारियों ने चैनल्स में कुछ कोई कार्प मछलियां तैराने का फैसला लिया और देखते ही देखते शिम्बारा सिटी ऑफ स्विमिंग कार्प बन गया। शिम्बारा सहित कुछ और भी शहर ऐसे हैं जहां आप यह नज़ारा देख सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि पूरे जापान के हर गटर में रंगीन मछलियां तैरती हैं। क्या आपने नामीब रेगिस्तान का नाम सुना है? अगर नहीं तो आप इसके रहस्य के बारे में भी नहीं जानते होंगे। ये रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लगा हुआ है, जो धरती की सबसे सूखी जगहों में से एक है। नामीब की हैरान कर देने वाली पहेलियों में सबसे बड़ी पहेली है यहाँ की जमीन पर बनी आकृतियाँ, जिसे परियों का घेरा कहा जाता है। एक खास प्रजाति के घास से घिरे गोल गोल घेरों में कोई पौधा नहीं होता। पूरे रेगिस्तान में ऐसे लाखों घेरे हैं जो कई दशकों से विशेषज्ञों को चकित किए हुए हैं। कोई इन्हें देवताओं के पैरों के निशान कहता है, कोई परियों के, तो कोई एलियंस के, मगर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। ये तो आप सभी जानते हैं कि बिना इजाजत किसी भी देश के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ाया जा सकता, मगर ये बात शायद आप नहीं जानते होंगे कि मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी के घर के ऊपर से प्लेन उड़ाना मना है। स्पेन की एक एयरलाइन कंपनी के मालिक ने ये दावा किया है कि बार्सिलोना एयरपोर्ट का रनवे इसलिए नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि मेसी के घर के ऊपर से प्लेन नहीं उड़ाया जा सकता। वैसे इसका कारण मेसी नहीं है बल्कि उस जगह का पर्यावरण है, जो हवाई जहाज के उड़ान भरने के लिहाज से सही नहीं है। मेसी का घर ऊपर से फुटबॉल के शेप जैसा नजर आता है, जहां मेसी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप कुछ टाइम के लिए स्पेस में रहेंगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी और एज कम हो जाएगी? ये अध्ययन नासा के वैज्ञानिकों ने दो जुड़वा एस्ट्रोनॉट भाइयों स्कॉट और कैली पर किया, जिसमें स्कॉट एक साल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रहे और कैली पृथ्वी पर ही रहे। स्पेस में रहने वाले भाई स्कॉट की हाइट और एज दोनों में ही अंतर देखा गया। स्कॉट की हाइट 2 इंच बढ़ गई और एज 10 मिलीसेकंड कम हो गई। वैसे तो काले रंग को अशुभ माना जाता है, मगर कई लोगों का फेवरेट कलर ब्लैक होता है। मगर आज आप देखिए दुनिया का सबसे काला पदार्थ, जिसे वेंटा ब्लैक कहा जाता है। ये इतना काला है कि इसे अगर किसी ऊबड़ खाबड़ जगह पर पोत दिया जाए तो उसकी सतह बिल्कुल सपाट दिखने लगती है। इसके कालेपन की वजह ये है कि ये प्रकाश के 99.96% हिस्से को सोख लेता है। वैसे पिछले साल ही BMW ने इस पदार्थ की मदद से एक कार बनाई थी, जिसे दुनिया की सबसे काली कार माना गया था। हमारे पूरे शरीर में कई सारी रक्त वाहिकाएं हैं, जो हमारी बॉडी के हर पार्ट में ब्लड सप्लाई करती हैं। मगर हमारी बॉडी में एक पार्ट ऐसा भी है जहां ब्लड सप्लाई नहीं होती, वो है हमारी आंखों में स्थित कॉर्निया। ये हवा से डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेता है। सांप सीढ़ी का खेल तो आप सबने खेला होगा और आपको बहुत पसंद भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं सांप सीढ़ी का आविष्कार भारत में ही हुआ था?
इसका आविष्कार 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव ने किया था। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाना था। इस खेल में कई बार हम मंजिल से एक कदम दूर होते हैं, तभी हम वापस शुरुआत पर पहुंच जाते हैं और फिर से चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये खेल हमें सिखाता है कि हमें जीवन में असफलता मिलने पर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि फिर से कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। प्राचीन काल में इसे मोक्ष पट कहा जाता था। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे हीरे पसंद नहीं है। इनकी चमक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, मगर इन्हें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी पर बहुत दुर्लभ है। मगर क्या आप जानते हैं, ऐसी भी जगह है जहाँ हीरों की बारिश होती है, और हीरे दुर्लभ नहीं बल्कि कंकड़ पत्थर की तरह पड़े मिल जाएंगे। आप भी खुश होंगे कि जल्दी से मैं बताऊं उस जगह का नाम और आप ढेर सारे हीरे बटोर कर ले आए। वेल, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये जगह है सैटर्न या शनि ग्रह, जहां होती है हीरों की बरसात। दरअसल होता ये है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में मिथेन गैस के बादल होते हैं, और जब अंतरिक्ष की विद्युत ऊर्जा इन बादलों से टकराती है तो होती है हीरों की बरसात। इन हीरों का साइज 1 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है। यही सारी प्रक्रिया सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर पर भी होती है। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हों तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे न्यू अपलोड्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।